द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेम की अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते के पूर्व नेता नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो हजार तेईस में स्थायी शीर्षक अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांद स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ ने किया है और संपादन वेंकटेश राजेश ने राजेंद्र ने किया है 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आई मैक्स पर रूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षिकाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक्शन दृश्यों और चरमोत्कर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों दो पर 23 पर काम कर रहे थे 24 दिसंबर को ईमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूथिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मकान जून 2023 में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक एटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में एटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन 2024 बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक प्रभु और गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थी इक्कीस मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ईश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे ये प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पच्चीसवां फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर 2023 को

जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन संथिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत्कालिक शीर्षा की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांत स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत विमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ नूनी ने किया है और संपादन वेंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पाँच सितम्बर दो हजार चौबीस को मानक और आई मैक्स पर में आलोचकों से मिश्रित समीक्षिकाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरमोकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो हजार चौबीस की जो दो हजार चौबीस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवम्बर दो के की अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016 हज़ार 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसों और लियो दोनों दो पर तेईस पर काम कर रहे थे चौबीस दिसंबर को युवान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्मिलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और अटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म का अंत दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख दो जून दो से थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश प्रभु और गोपी मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं। 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पच्चीसवां फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस का इस्तेमाल पहले सोलह और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्शन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है दो की भारतीय तमिल बाशाह की एक संथर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत रजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांद स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ नूनी ने किया है और संपादन व्यंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन सौ अस्सी से चार सौ करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पांच सितंबर दो को मानक और आई मैक्स में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरम की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी नवंबर के, के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवी फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों दो पर तेईस पर काम कर रहे थे चौबीस दिसंबर को युमान शंकर राजा ने यस के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीतई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म का दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश प्रभु और गोपी चंद्र मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं। 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवीं फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा

रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो हजार चौबीस के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो हजार तेईस को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के थैंक्स फॉर वाचिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेम की अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म फिल्म है आतंकवादी विरोधी दस्ते के पूर्व नेता नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो में स्थायी शीर्षक की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांत स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धांत नूनी ने किया है और संपादन वेंकटसुराजेज ने राजेन ने किया है 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिसिस समीक्षकों के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदर्शियों और चर्मोशकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो, जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, हजार सोलह मार्शल दो और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों 2030 पर तेईस पर काम कर रहे थे 24 दिसंबर को ईमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूथिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मकान जून दो हजार तेईस में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक एटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख दो जून दो हजार तेईस थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में एटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो हजार चौबीस बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएँ सुनी थी जिसमें निर्देशक प्रभु और गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं। 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पचीसवा फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के के पात्रों में से एक का का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर 2023 को घोषित किया गया प्रभु ने से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से फाइट फॉर वाचिंग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत्कालिक शीर्षा की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांत स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत विमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया कांत सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन वेंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पाँच सितम्बर दो हजार चौबीस को मानक और आई मैक्स पर में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरमोकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो हजार चौबीस की जो दो हजार चौबीस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवम्बर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016 हज़ार 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसों और लियो दोनों दो पर तेईस पर काम कर रहे थे चौबीस दिसंबर को विमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्मिलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और अटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म कांत दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख दो जून दो हजार थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंटेश प्रभु और गोपी चंद्र मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं। 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पच्चीसवां फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस का इस्तेमाल पहले सोलह और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्शन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है दो की भारतीय तमिल बाशाह की एक संथर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत रजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत्कारी शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांद स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन व्यंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन सौ अस्सी से चार सौ करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पांच सितंबर दो को मानक और आई मैक्स में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरम की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ। नवंबर के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों दो पर तेईस पर काम कर रहे थे चौबीस दिसंबर को युमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म का दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थी इक्कीस मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवीं फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा

रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो हजार चौबीस के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो हजार तेईस को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्सन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के में थैंक्स फॉर वॉचिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय हजार चौबीस की एक्शन भारतीय फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेम की अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत रजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते के पूर्व नेता नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो हजार तेईस में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कां स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धांत नूनी ने किया है और संपादन राजेश ने राजेंद्र ने किया है 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षकों के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदर्शियों और चर्मोशकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, हजार सोलह मार्शल दो और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों 2030 पर 23 पर काम कर रहे थे 24 दिसंबर को विमान शंकर राजा ने इस के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय रेटली के बीच सहयोग की रिपोर्टरी पूरे द्वारा तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मकार जून दो हजार तेईस में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक एटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो हजार थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में एटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएँ सुनी थी जिसमें निर्देशक प्रभु और गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं। 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु द्वारा, द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे ये प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पच्चीसवां फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर 2023 को घोषित किया गया फिल्म फिल्म को साइंस फिक्शन बताया बताया गया गया। था। की रिलीज के बाद इसे एक्शन से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो हजार तेईस में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत्कालिक शीर्षा की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म का चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन व्यंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पाँच सितम्बर दो हजार चौबीस को मानक और आई मैक्स पर में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरमोकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो हजार चौबीस की जो दो हजार चौबीस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016 मार्सल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसों और लियो दोनों 2030 दो पर 23 पर काम कर रहे थे 24 दिसंबर को विमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और अटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म का अंत दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख दो जून दो हजार थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंटेश प्रभु और गोपी चंद्र मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं। 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पच्चीसवां फिल्म निर्म निर्माण है यह फिल्म चार करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस का इस्तेमाल पहले सोलह और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्शन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के में थैंक्स फॉर वाचिंग। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है दो की भारतीय तमिल बाशाह की एक संथर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत रजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत् शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांद स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन व्यंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन सौ अस्सी से चार सौ करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पांच सितंबर दो को मानक और आई मैक्स में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरम की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ। नवंबर दो के, के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों दो पर तेईस पर काम कर रहे थे चौबीस दिसंबर को युमान शंकर राजा ने यस के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और इटली के बीच सहयोग की, की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म का दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश और गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवीं फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा

रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो हजार चौबीस के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो हजार तेईस को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्शन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के में थैंक्स फॉर वॉचिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेम की अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते के पूर्व नेता नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो हजार तेईस में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कां स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धांत नूनी ने किया है और संपादन राजेश ने राजेंद्र ने किया है 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षकों के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदर्शियों और चर्मोशकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रू में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं और से अपनी और की एक की, जिसे पूथिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्मिलन का संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्ट पूरे दो हजार तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म कांड जून 2023 में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक एटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून 2023 थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में एटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन 2024 बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक प्रभु और गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थी इक्कीस मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु द्वारा दौ, निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पचीसवा फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ की बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर 2023 को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्शन बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के फाइट में थैंक्स फॉर वाचिंग। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर पर मई दो हजार तेईस में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत्कालिक शीर्षा की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांत स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत विमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन वेंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पाँच सितम्बर दो हजार चौबीस को मानक और आई मैक्स पर में आलोचकों से मिश्रित समीक्षिकाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरमोकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो हजार चौबीस की जो दो हजार चौबीस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता केरू में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016 हज़ार 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसों और लियो दोनों दो पर तेईस पर काम कर रहे थे चौबीस दिसंबर को विमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और अटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म कांत दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख दो जून दो हजार थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंटेश प्रभु और गोपी चंद्र मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पच्चीसवां फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले सोलह और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्शन फिल्म्स बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के फाइट फॉर वाचिंग। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है दो की भारतीय तमिल बादशा की एक संथर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत रजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते के पूर्व नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांद स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन व्यंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन सौ अस्सी से चार सौ करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पांच सितंबर दो को मानक और आई मैक्स में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरम की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ। नवंबर के, के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों दो पर तेईस पर काम कर रहे थे चौबीस दिसंबर को युमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और इटली के बीच सहयोग की, की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म का दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश प्रभु और गोपी चंद्र मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थी इक्कीस मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवीं फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा

रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो हजार चौबीस के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो हजार तेईस को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्सन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के थैंक्स फॉर वाचिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेम की अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म फिल्म है आतंकवादी विरोधी दस्ते के पूर्व नेता नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कां स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धांत नूनी ने किया है और संपादन राजेश ने राजेंद्र ने किया है 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षकों के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदर्शियों और चर्मोशकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, हजार मार्शल दो और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों 2030 पर तेईस पर काम कर रहे थे 24 दिसंबर को ईमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूथिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मकान जून दो हजार तेईस में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक एटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो हजार थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में एटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएँ सुनी थी जिसमें निर्देशक प्रभु और गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थी 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा दौ, प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पचीसवा फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के के पात्रों में से एक का का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर 2023 को

जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल बादशा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत रजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर पर मई दो हजार तेईस में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत्कालिक शीर्षा की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांत स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत विमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया कांत सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन वेंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन से चार करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पाँच सितम्बर दो हजार चौबीस को मानक और आई मैक्स पर में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरमोकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो हजार चौबीस की जो दो हजार चौबीस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016 मार्सल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसू और लियो दोनों 2030 दो पर 23 पर काम कर रहे थे 24 दिसंबर को युवान शंकर राजा ने एक के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और अटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म कांत दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख दो जून दो से थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश प्रभु और गोपी मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी 68वीं फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे अस्थाई रूप से थलपति 68 शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ईश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और 25वां फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस का इस्तेमाल पहले सोलह और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्शन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के फाइट में थैंक्स फॉर वाचिंग। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है दो की भारतीय तमिल बाशाह की एक संथर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत रजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत् शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांद स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवनंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन व्यंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन से चार करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आई मैक्स पर रूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरम की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ। नवंबर के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों दो पर तेईस पर काम कर रहे थे चौबीस दिसंबर को युमान शंकर राजा ने यस के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूथिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और अटली के बीच सहयोग की, की पूरे रिपोर्ट तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म का दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवीं फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से शीर्षक दिया गया जबकि अर्चना कल्पना और महंगा और पचीसवा फिल्म निर्म निर्माण है यह फिल्म चार करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो हजार चौबीस के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो हजार तेईस को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्सन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के में थैंक्स फॉर वॉचिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल बादशाह की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेम की अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते के पूर्व नेता नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो हजार तेईस में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कां स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ ने किया है और संपादन वेंकटेश ने राजेंद्र ने किया है 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आई मैक्स पर रूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षिकाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक्शन दृश्यों और चरमोत्कर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रू में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, हजार मार्शल दो और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों 2030 पर तेईस पर काम कर रहे थे 24 दिसंबर को ईमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूथिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे 2022 तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मकान जून दो हजार तेईस में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक एटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो हजार थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में एटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएँ सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंटेश प्रभु और गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थी इक्कीस मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा दौ, प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे ये प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पच्चीसवां फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर 2023 को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्शन प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ फॉर वाचिंग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल बादशाह की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत रजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते के पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर पर मई दो हजार तेईस में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत्कालिक शीर्षा की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म का चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत विमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया कांत सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन व्यंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पाँच सितम्बर दो हजार चौबीस को मानक और आई मैक्स पर रूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षिकाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरमोकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो हजार चौबीस की जो दो हजार चौबीस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवम्बर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016 मार्सल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसों और लियो दोनों 2030 पर 23 पर काम कर रहे थे 24 दिसंबर को विमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और अटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म कांत दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख दो जून दो से थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंटेश प्रभु और गोपी मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं। 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे अस्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पच्चीसवां फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस इस का इस्तेमाल पहले सोलह और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्शन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट फाइट फॉर वाचिंग। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है दो की भारतीय तमिल बाशाह की एक संथर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत रजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत् शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांद स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन व्यंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन सौ अस्सी से चार सौ करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पांच सितंबर दो को मानक और आई मैक्स में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरमोकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ। नवंबर के, के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवी फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों दो पर तेईस पर काम कर रहे थे चौबीस दिसंबर को युवान शंकर राजा ने एक के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म का दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश प्रभु और गोपी चंद्र मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं। 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवीं फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा

रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो हजार चौबीस के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो हजार तेईस को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्सन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के में थैंक्स फॉर वॉचिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेम की अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म फिल्म है आतंकवादी विरोधी दस्ते के पूर्व नेता नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो हजार तेईस में स्थायी शीर्षक अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कां स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धांत नूनी ने किया है और संपादन वेंकटसुराजेज ने राजेंद्र ने किया है 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षकों के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदर्शियों और चर्मोशकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, हजार मार्शल दो और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों दो पर 23 पर काम कर रहे थे 24 दिसंबर को ईमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूथिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे 2022 तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मकान जून दो हजार तेईस में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक एटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो हजार थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में एटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएँ सुनी थी जिसमें निर्देशक प्रभु और गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थी 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा दौ, प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पचीसवा फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ की बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर 2023 को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्शन बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के फाइट में थैंस फॉर वाचिंग। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल तमिबाद की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो हजार तेईस में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत्कालिक शीर्षा की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांत स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत विमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया कांत सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन वेंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन से चार करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पाँच सितम्बर दो हजार चौबीस को मानक और आई मैक्स पर रूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षिकाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरमोकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो हजार चौबीस की जो दो हजार चौबीस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर द्र दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता केरू में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016 हज़ार 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसों और लियो दोनों दो पर तेईस पर काम कर रहे थे चौबीस दिसंबर को विमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्मिलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और अटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म कांत दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख दो जून दो से थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश प्रभु और गोपी मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं। 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवीं फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पच्चीसवां फिल्म निर्माण है यह फिल्म चार करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस का इस्तेमाल पहले सोलह और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्शन फिल्म्स बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है दो की भारतीय तमिल बाशाह की एक संथिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत रजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत् शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांद स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन व्यंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन सौ अस्सी से चार सौ करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पांच सितंबर दो को मानक और आई मैक्स में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरम की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ। नवंबर इक्कीस के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों दो पर तेईस पर काम कर रहे थे चौबीस दिसंबर को युमान शंकर राजा ने यस के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म का दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश और गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवीं फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा

रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो हजार चौबीस के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो हजार तेईस को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्सन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के में थैंक्स फॉर वाचिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेम की अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते के पूर्व नेता नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो हजार तेईस में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कां स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धांत नूनी ने किया है और संपादन राजेश ने राजेंद्र ने किया है 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिसिस समीक्षकों के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदर्शियों और चर्मोशकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों 2030 पर तेईस पर काम कर रहे थे 24 दिसंबर को ईमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूथिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मकान जून दो हजार तेईस में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक एटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो हजार थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में एटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएँ सुनी थी जिसमें निर्देशक प्रभु और गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थी इक्कीस मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा दौ, प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पचीसवा फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के के पात्रों में से एक का का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर 2023 को घोषित किया गया फिल्म प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से थैंक्स फॉर वाचिंग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत्कालिक शीर्षा की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांत स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत विमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया कांत सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन व्यंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पाँच सितम्बर दो हजार चौबीस को मानक और आई मैक्स पर में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरमोकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो हजार चौबीस की जो दो हजार चौबीस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016 मार्सल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों 2030 पर 23 पर काम कर रहे थे 24 दिसंबर को विमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिससे 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्मिलन का संकेत संकेत देने के के लिए अनुमान लगाया गया था बीच सहयोग की रिपोर्ट पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म कांत दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख दो जून दो हजार थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंटेश प्रभु और गोपी चंद्र मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं। 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी 68वीं फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे अस्थाई रूप से थलपति 68 शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ईश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और 25वां फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस का इस्तेमाल पहले सोलह और इंडियन टू दो हजार चौबीस के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो हजार तेईस को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्सन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है दो की भारतीय तमिल बाशाह की एक संथर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत रजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत् शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांद स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन व्यंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन सौ अस्सी से चार सौ करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पांच सितंबर दो को मानक और आई मैक्स में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरम की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ। नवंबर के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों दो पर तेईस पर काम कर रहे थे चौबीस दिसंबर को युवान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूथिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और अटली के बीच सहयोग की, की पूरे तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म का दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएँ सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश गोपी चंद मालिनी की पटकथाएँ भी शामिल थीं इक्कीस मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवीं फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से शीर्षक दिया गया जबकि अर्चना कल्पना और महंगा और पचीसवा फिल्म निर्म निर्माण है यह फिल्म चार करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो हजार चौबीस के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो हजार तेईस को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्सन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के में थैंक्स फॉर वॉचिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल बादशाह की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेम की अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत रजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते के पूर्व नेता नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो हजार तेईस में स्थायी शीर्षक अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कां स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धांत नूनी ने किया है और संपादन वेंकटसुराजेज ने राजेंद्र ने किया है 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षकों के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदर्शियों और चर्मोशकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने, करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों 2030 पर 23 पर काम कर रहे थे 24 दिसंबर को ईमान शंकर राजा ने इस के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय रेटली के बीच सहयोग की रिपोर्टरी पूरे द्वारा तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मकांत जून दो हजार तेईस में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक एटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो हजार थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में एटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएँ सुनी थी जिसमें निर्देशक प्रभु और गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थी इक्कीस मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु द्वारा दौ, निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे ये प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पच्चीसवां फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर 2023 को घोषित किया गया फिल्म 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 को साइंस फिक्शन बताया बताया गया गया था की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन संथिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत्कालिक शीर्षा की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांत स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत विमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन व्यंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन से चार करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पाँच सितम्बर दो हजार चौबीस को मानक और आई मैक्स पर रूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षिकाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरमोकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो हजार चौबीस की जो दो हजार चौबीस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016 मार्सल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसू और लियो दोनों 2030 पर 23 पर काम कर रहे थे 24 दिसंबर को विमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूथिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्मिलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और अटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो हजार तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म कांत दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख दो जून दो से थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश प्रभु और गोपी मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं। 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवीं फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पच्चीसवां फिल्म निर्माण है यह फिल्म चार करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस इस का इस्तेमाल पहले सोलह और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्शन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के फैक्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है दो की भारतीय तमिल बाशाह की एक संथर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत रजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत् शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांद स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन व्यंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन सौ अस्सी से चार सौ करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पांच सितंबर दो को मानक और आई मैक्स में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरम की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ। नवंबर के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों दो पर तेईस पर काम कर रहे थे चौबीस दिसंबर को युमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म का दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो दौन दौन थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश प्रभु और गोपी चंद्र मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं। 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवीं फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा

रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो हजार चौबीस के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो हजार तेईस को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्सन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के थैंक्स फॉर वाचिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेम की अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म फिल्म है आतंकवादी विरोधी दस्ते के पूर्व नेता नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो हजार तेईस में स्थायी शीर्षक अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कां स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धांत नूनी ने किया है और संपादन राजेश ने राजेंद्र ने किया है 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षकों के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदर्शियों और चर्मोशकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रू में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, हजार सोलह मार्शल दो और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों 2030 पर तेईस पर काम कर रहे थे 24 दिसंबर को ईमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पुथिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मकान जून दो हजार तेईस में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक एटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो हजार थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में एटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएँ सुनी थी जिसमें निर्देशक प्रभु और गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थी इक्कीस मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु द्वारा दौ, निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पचीसवा फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के के पात्रों में से एक का का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर 2023 को घोषित किया गया, गया, गया। प्रभु ने से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से फाइट फॉर वाचिंग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर पर मई दो हजार तेईस में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत्कालिक शीर्षा की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांत स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत विमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन वेंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन से चार करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पाँच सितम्बर दो हजार चौबीस को मानक और आई मैक्स पर में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरमोकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो हजार चौबीस की जो दो हजार चौबीस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016 मार्सल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान 2023 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों 2030 दो पर 23 पर काम कर रहे थे 24 दिसंबर को विमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और अटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म कांत दो हजार जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख दो जून दो हजार थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश प्रभु और गोपी चंद्र मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं। 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवीं फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पच्चीसवां फिल्म निर्माण है यह फिल्म चार करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस इस का इस्तेमाल पहले सोलह और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्शन फिल्म्स बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के फाइट में थैंक्स फॉर वाचिंग। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है दो की भारतीय तमिल बाशाह की एक्शन संथर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत रजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांद स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन व्यंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन सौ अस्सी से चार सौ करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पांच सितंबर दो को मानक और आई मैक्स में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरम की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ। नवंबर इक्कीस के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों दो पर तेईस पर काम कर रहे थे चौबीस दिसंबर को युमान शंकर राजा ने यस के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म का दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवीं फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा

रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो हजार चौबीस के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो हजार तेईस को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्सन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के में थैंक्स फॉर वॉचिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेम की अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते के पूर्व नेता नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो हजार तेईस में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कां स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धांत नूनी ने किया है और संपादन वेंकटसुराजेज ने राजेंद्र ने किया है 380 से 400 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 5 सितंबर 2024 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में आलोचकों से मिश्रित समीक्षकों के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदर्शियों और चर्मोशकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रू में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों 2030 पर 23 पर काम कर रहे थे 24 दिसंबर को ईमान शंकर राजा ने इस के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय रेटली के बीच सहयोग की, की रिपोर्टरी पूरे द्वारा तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्मकांत 2000 जून दो हजार तेईस में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक एटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो हजार थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में एटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएँ सुनी थी जिसमें निर्देशक प्रभु और गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थी इक्कीस मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा दौ, प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पचीसवा फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के के पात्रों में से एक का का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर 2023 को

जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है 2024 की भारतीय तमिल बादशाह की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस इंटरटेनमेंट ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत राजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेता गांधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आत्कालिक शीर्षा की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और जून 2024 के अंत तक पूरी हो गई फिल्म स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत विमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया कांत सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन व्यंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन से चार करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पाँच सितम्बर दो हजार चौबीस को मानक और आई मैक्स पर में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरमोकर्ष की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो हजार चौबीस की जो दो हजार चौबीस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत में फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016 हज़ार 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसों और लियो दोनों दो पर तेईस पर काम कर रहे थे चौबीस दिसंबर को विमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और अटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म कांत दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख दो जून दो हजार थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश प्रभु और गोपी चंद्र मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं। 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवी फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति अड़सठ शीर्षक दिया गया एजीएस एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण करेगी जबकि अर्चना कल्पना और ऐश्वर्या कल्पना रचनात्मक निर्माता के रूप में काम करेंगे यह प्रोडक्शन हाउस का सबसे महंगा और पच्चीसवां फिल्म निर्माण है यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले सोलह और इंडियन टू दो के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इकतीस दिसंबर दो को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्शन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के फाइट फॉर वाचिंग। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जिसे गॉड के नाम से भी जाना जाता है दो की भारतीय तमिल बाशाह की एक संथर फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकटेश प्रभु ने किया है और इसका निर्माण ए जी एस ने किया है फिल्म में विजय चार भूमिकाओं में है जिनके साथ प्रशांत प्रभुदेवा मोहन जयराम अजमन अमीर वैभव योगी बाबू प्रेमगी अमेरन स्नेहा लैला मीनाक्षी चौधरी और अभियुक्त मणिकंदन है यह स्टूडियो का पच्चीसवा प्रोडक्शन है और रजनीकांत रजनीतिक में परिवेश से पहले विजय की अंतिम फिल्म है फिल्म आतंकवादी विरोधी दस्ते की पूर्व नेतागाधी का अनुसरण करती है जो अपने दोस्त के दस्ते के दस सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उपजी थी फिल्म को आधिकारिक तौर तो पर मई दो में स्थायी शीर्षक थलपति अड़सठ के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह प्रमुख क्योंकि यह एक प्रमुख अभिनेता के रूप में विजय की अड़सठवीं फिल्म थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा दिसंबर में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और जून दो के अंत तक पूरी हो गई फिल्म कांद स्थानों में चेन्नई थाईलैंड हैदराबाद श्रीलंका पंडिचेरी तिरुवंतपुरम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे फिल्म का संगीत इमान शंकर राजा ने तैयार किया है छाया का सिद्धार्थ नोनी ने किया है और संपादन व्यंकटेश राजेश ने राजेन ने किया है तीन सौ अस्सी से चार सौ करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी यह एजीएस की सबसे महंगी फिल्म है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को पांच सितंबर दो को मानक और आई मैक्स में आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया जिन्होंने विजय के प्रदर्शन एक संदेशियों और चरम की प्रशंसा की जबकि चरित्र विकास की लेखन की कमी की आलोचना हुई इसने तमिल फिल्म के लिए कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए दो की जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म विदेशों में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म और तमिलनाडु में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई जी हाँ। नवंबर दो के अंत में विजय जिन्होंने निर्देशक इटली के साथ तीन सफल फिल्मों में काम किया था को प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी अड़सठवीं फिल्म में फिर से उनके साथ सहयोग करने की सूचना मिली थी थेरी 2016, मार्शल 2017 और बिगिल 2019 के बाद उनके सहयोग को चिन्हित करते हुए निर्देशक द्वारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान दो के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी इस बीच विजय दो परियोजनाओं को परियोजनाओं वारिसो और लियो दोनों दो पर तेईस पर काम कर रहे थे चौबीस दिसंबर को युमान शंकर राजा ने एक्स के माध्यम से अपनी और विजय की एक तस्वीर पोस्ट की जिसे पूछिया गीताई 2003 के बाद निकट भविष्य में पुनर्विलन का संकेत संकेत देने के लिए अनुमान लगाया गया था विजय और इटली के बीच सहयोग की रिपोर्टें पूरे दो तक जारी रही उस दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म का दो जून दो में शुरू होने वाला था क्योंकि तब तक इटली ने जवान पूरी कर ली थी क्योंकि प्रारंभिक फिल्म की रिलीज की तारीख 2 जून दो थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था हालांकि अगले मई में अटली को इस परियोजना का निर्देशन नहीं करने की पुष्टि की गई क्योंकि उन्हें उन्होंने एक अन्य हिंदी फिल्म साइन की थी जो बेबी जॉन दो बन गई विजय ने कथित तौर पर कई पटकथाएं सुनी थी जिसमें निर्देशक वेंकटेश गोपी चंद मालिनी की पटकथाएं भी शामिल थीं 21 मई को विजय ने अपने सोशल मीडिया के पेजों के माध्यम से घोषणा की कि उनकी अड़सठवीं फिल्म प्रभु प्रभु द्वारा प्रभु द्वारा निर्देशित की जाएगी जिसे स्थायी रूप से थलपति सीट शीर्षक दिया गया जबकि अर्चना कल्पना और महंगा और पचीसवा फिल्म निर्म निर्माण है यह फिल्म चार करोड़ के बजट पर बनी है अगले अगस्त में टीम विजय के पात्रों में से एक का रूप बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट स्कैनिंग का उपयोग करने के लिए लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई तब इस तकनीक का इस्तेमाल पहले फैन दो हजार और इंडियन टू दो हजार चौबीस के लिए किया गया था फिल्म का आधिकारिक शीर्षक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल दींबर दो हजार तेईस को घोषित किया गया फिल्म को साइंस फिक्सन फिल्म बताया गया था फिल्म की रिलीज के बाद इसे एक्शन थ्रिलर बताया गया घोषणा से दस महीने पहले प्रभु ने विजय से मुलाकात की थी और एक वन लाइनर सुनाया था जी हाँ कुछ इस तरह से मूवी के थैंक्स फॉर